बोल के कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है, अगर आपको कुछ मेरी लैंग्वेज पे ऊपर नीचे लगे तो सॉरी। कटिंग का तरीका, मैंने कुछ नोट्स आपको दिए थे इस वाले वीडियो में कि आप इससे अपने नाम को याद कर सकते हैं तो आपको आसानी होगी। तो चलिए आज आगे की प्रोसेस को सीखते हैं। शायद आपको नाम याद होंगे, तीरा, आर्म होल, चेस्ट, वेस्ट, हिप और चाक। मान लीजिए ये आपके पास कोई कपड़ा है, ठीक है। कपड़े को बिछाएं, अमूमन कपड़ा फोल्ड फोल्ड पे बिछता है ऐसे। तो ये हमारे पास खुली साइड और ये हमारे पास बंद साइड। देखिए यहाँ से कुछ खुल नहीं रहा, पर यहाँ से फोर फोल्ड पे कपड़ा खुलेगा। ये टोटल लंबाई यहाँ से यहाँ तक जितनी भी होगी उसे सूट की टोटल लंबाई मान लीजिए। अब जो पहला पॉइंट होता है वो है सूट का तीरा कहाँ से लिया जाए। आपको याद, ये हमारी बंद साइड है तो हमें तीरा कहाँ से लेना है, हमेशा बंद साइड से, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आर्म होल। जो हमें आर्म होल लेंगे इसकी जो गोलाई होगी, ये जो हमेशा 1.5 इंच ऊपर से गोलाई देंगे, उसके बाद इसको कट करेंगे, ठीक है। माना हमने यहाँ आर्म होल की लाइन खींच ली, उसके बाद जो हम यहाँ गोलाई देंगे, गोलाई देने के लिए हमने 1.5 इंच का माप लेना है। यहाँ 1.5 इंच का माप लेने के बाद हम उसको कट करेंगे। चेस्ट से हिप तक की जो टोटल लंबाई होती है उसको हम 14 इंच लेते हैं, 14 इंच लेते हैं। इसको 2 बराबर भागों में पार दिया जाता है, चेस्ट और वेस्ट में, वेस्ट और हिप में, जो दोनों पटके आती हैं 7 और 7 इंच। अगला पॉइंट है, माना हमारी हिप की लंबाई आई, हिप का जो माप है सॉरी उसको हम 9 इंच, तो हमारी चाक भी आएगी 9 इंच। लेकिन इस चाक को हम अपने अनुसार 2 से 3 इंच तक बढ़ा सकते हैं। माना आपके शोल्डर्स 14 इंच आ रहे हैं, हमने माप ली उसकी, वो 14 इंच आ रहे हैं, तो हम एक 14 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2 = 7 इंच, ठीक है। तो हम इसका आधा लेंगे, 14 का हाफ लेंगे, 7 इंच बड़ाई है और ये कपड़े की लंबाई है। अगर आप पतले हैं तो आप कपड़े को अगर लंबाई में भी फोल्ड करके 4 तय करके अगर अपना नाप लेंगे तो मे बी आपका एक सूट बन सकता है लंबाई में कपड़े को फोल्ड करके। अगर आप हैवी साइज़ हैं और मोटे हैं तो आपको कपड़ा ऐसे फोल्ड करना पड़ेगा चौड़ाई में, ठीक है। चौड़ाई में फोल्ड करके आपके सूट बन जाएंगे। देखिए ये 4 फोल्ड हो गया कपड़ा। या आप जो हमारी चेस्ट वेस्ट और हिप होती है, अकॉर्डिंग टू माई केस, मेरी चेस्ट है 33 इंच, तो मैं उसका 1/4 लूँगी जो आता है 8.25, वेस्ट है 28 जिसका 1/4 लेके आता है 7, हिप है 36 जिसका 1/4 आता है 9। इसमें मुझे कम से कम 2, 3 या 4 इंच एक्स्ट्रा लेने हैं अगर मैं बिगिनर हूँ तो। अगर नाप में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो मैं जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसमें उसको मैनेज करूँगी। जो चाक है मेरे अकॉर्डिंग मैं 38 से 36 रखूँगी, उसका भी मैं 1/4 हिस्सा लूँगी
जो 9 से 9.5 इंच आता है। पूरी लंबाई मेरी 45 है, जिसमें मैं 3 इंच एक्स्ट्रा रख के 48 इंच लूँगी। तीरा मेरा मैं 6.5 और 7 के बीच में रखती हूँ। आर्म होल मैं 6 रखूँगी। तीरा आर्म होल आप और मैं सेम ले सकते हैं, और जो सारे मेज़रमेंट हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए। जो मेरे